हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्योंकि आप लोगों का भी हाफ ईयरली और या मिड टर्म जो है बहुत ही सामने है, तो है आप लोग जो है बहुत जम के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तो खूब सारी मेहनत करना। तो इस वीडियो में आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो भी एक पुराना कहानी है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारे सीख आपको मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनना कहानी को। कहानी है एक आलसी ब्राह्मण की। कहानी का नाम भी है आलसी ब्राह्मण। एक ब्राह्मण का है जो बहुत ही आलसी था, ठीक है। उसका पूरा उसका फैमिली में सब थे, उसके बीवी थे, उसके बच्चे थे, और उसका एक बहुत ही खुशहाल फैमिली था, आप बोल सकते खुशहाल परिवार था, क्योंकि वो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ठीक है। जैसे कि ज़मीन थे, ज़मीन में अच्छी फसल भी उगती थी हर साल, तो कहीं से किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास। उसका ज़िंदगी जो है खुशहाल ज़िंदगी था, लेकिन एक उसमें समस्या या एक प्रॉब्लम उसमें थी, वो का बहुत ही आलसी था। इससे उसका उसकी जो बीवी है वो भी काफ़ी परेशान रहती थी, क्योंकि वो हमेशा उसको यही कहती रहती थी कि आप अपना काम खुद करिए। लेकिन जो ब्राह्मण था वो कभी भी जो है काम करना नहीं चाहता था, और इस वजह से जो है उसकी बीवी हमेशा ही परेशान रहती थी। तो ऐसे उनका दिन बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, उनके घर एक साधु आया, ठीक है। तो साधु जो आया, उसका जो है ब्राह्मण ने जो है साधु की खूब सेवा की, एकदम दिल से जो है ब्राह्मण ने साधु की सेवा की, उसको खिलाया पिलाया, काफ़ी खुश रखा उसको, ठीक है। तो जाते समय साधु ने ब्राह्मण से कहा कि आपने जो मेरी सेवा की है उससे मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ, और मैं आपको कोई वरदान देना चाहता हूँ। आप जो है, आपको जो भी वरदान चाहिए आप मांग सकते हैं। तो ये सुनकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, मतलब उसको जैसे लगा कि मतलब अब तो मैं जो भी चाहूँगा मांग कर जो है इनसे ले सकता हूँ। तो ब्राह्मण ने जो है क्या मांगा कि साधु से ये कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कभी भी कोई काम ना करना पड़े, ठीक है। वो था ही आलसी, काम करना वो चाहता नहीं था, तो वरदान भी उसने ऐसे ही मांगा कि आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि मुझे कभी भी कोई काम ना करना पड़े, या फिर कोई ऐसा आदमी मुझे दे दीजिए जो हमेशा मेरे लिए काम करता रहे। तो ये सुनकर साधु ने जो है कहा कि ठीक है, आपको आपके इच्छा अनुसार जो है वरदान मिल जाएगा। तो उस पर साधु वहाँ से चला जाता है। जैसे ही साधु वहाँ से चला जाता है, तो वहाँ पर अचानक एक बहुत ही बड़ा, जैसा बोल सकते आप, एक जिन जो है वहाँ प्रकट हो जाता है। और उसने और वो कहता है कि मुझे जो है साधु ने आपके पास भेजा है आपके लिए काम करने के लिए। तो उसको देखकर ब्राह्मण जो है काफ़ी घबरा गया, क्योंकि वो था बहुत ही बड़ा दिखने में, ठीक है। तो इतने में जिन कहने लगा कि आप मेरे को जल्दी से काम दीजिए, अगर आप मुझे काम नहीं देंगे तो मैं आपको खा जाऊँगा, ठीक है। और साधु ने ये वरदान देते समय जो है ब्राह्मण को बता भी दिया था कि आपके पास जो है काम होना चाहिए उसको देने के लिए, हमेशा ही आप उसको व्यस्त रखना, ये कहकर ही हो गया था। तो जिन जो है कहने लगा मुझे काम दो, मुझे काम दो, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो ब्राह्मण घबरा गया, उसने घबराहट में कहते जाओ खेत में पानी दे के आओ, उसके पास काफ़ी खेत था, तो खेत में पानी दे के आओ। तो जैसे ही उसने कहा कि खेत में पानी दे के आओ, वहाँ से जिन जो है गायब हो गया। तो ब्राह्मण को थोड़ा सा जो है सुकून मिला कि अब तो जिन चला जाता है। और थोड़ी ही देर में जो है, क्योंकि उसके पास जो है बहुत शक्तियाँ थी, थोड़ी देर में वो खेत में पानी देकर वापस आ जाता, फिर काम मांगने लगता है। तो ये देखकर ब्राह्मण घबरा गया कि इतनी सारी खेत इसने बस कुछ ही टाइम समय में जो है पानी दे दिया इसने। तो फिर वो कहने लगा मुझे काम चाहिए, मुझे काम दो, नहीं तो मैं आपको खा जाऊँगा। तो फिर क्या काम दे रही ब्राह्मण सोचने लगा, तो उसने कह दिया जाओ हल जोत के आओ। तो फिर से जिन निकल गया। अब ब्राह्मण को लगने लगा कि खेत तो बहुत बड़ा है, हल जोतने में तो टाइम लगेगा, पानी तो उसने काफ़ी जल्दी दे दिया लेकिन हल जोतने में तो टाइम लग गया। तो जिन निकल गया। फिर ब्राह्मण अपनी पत्नी से बात करने लगता है कि जो है अब मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा, साधु ने मेरे को जो है ये भेज दिया जो मेरे लिए हमेशा काम करता रहेगा। तो उसकी बीवी थोड़ी चालाक भी थी, तो बोले आप ये गलत समझ रहे हैं, ये आपके लिए समस्या भी बन सकता है। तो ब्राह्मण को यकीन नहीं हुआ। इससे बातचीत करते करते अचानक फिर जिन प्रकट हो गया और कहने लगा मालिक मैंने हल जोत दिया, अब और काम चाहिए मुझे। अब जो है ब्राह्मण कहने लगा अब और काम नहीं है, आप जो है आराम कीजिए, कल फिर काम करेंगे। तो
जिन कहने लगा नहीं मैं आराम करने के लिए नहीं आया, मैं मुझे काम करने के लिए आया, मुझे काम चाहिए, काम दो नहीं तो मैं आपको खा जाऊँगा। अब तो ब्राह्मण पूरी तरह घबरा चुका था कि अब इसको क्या काम दिए, इतना जितना भी बड़ा बड़ा उसको काम दिया जा रहा है वो तुरंत करके आ जाता है तो उसका और काम क्या दिया जाए, वो घबरा जाता है। तो इतने में उसकी बीवी पूछती है कि सुनिए क्या मैं इसको कुछ काम दे दूँ? तो ब्राह्मण तो बोला हाँ हाँ कुछ भी हो आप जो है कोई भी काम अपना अगर दे दो, क्या काम दे सकती हो तुम्हारे पास तो काम क्या होगा? तो बोला कि आप चिंता ना करें मैं इसको कोई ना कोई काम में जो है व्यस्त रखूँगी। ठीक है बोलकर जो है उसकी बीवी जिन के पास जाती है और उसको कहती है कि आप घर से बाहर जाइए, वहाँ हमारा कुत्ता है जिसका नाम मोती है, उसका पूंछ को आप जो है सीधा करके दिखा दीजिए। तो जिन जो है ठीक है मैं अभी आया बोलती वो निकल गया और वो लग गया उसका पूंछ सीधा करने के लिए। तो ब्राह्मण ने देखा कि इतना बड़ा बड़ा काम तो उसने इतना आसानी से कर लिया था तो ये भी करके ये जल्दी वापस आ जाएगा। तो बीवी को बोलने लगा ये क्या काम दे दिया तुमने, वो तो अभी वापस आ जाएगा कोई बड़ा सा काम देती। तो क्योंकि बीवी उसकी चालाक थी उसको पता था कि जो है कुत्ते की दुम जो है कभी सीधे नहीं होते, आपने देखा होगा कि कहीं भी कुत्ता देखा उसका दुम हमेशा क्या होता है यूँ घुमा हुआ टेढ़ा होता है, तो उसको सीधा करना किसी के बस की बात नहीं है। तो ये सोच के बीवी ने जो काम दे दिया तो बीवी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए मैंने जो काम दिया है वो उसमें व्यस्त रहेगा और आपके पास वापस नहीं आएगा, लेकिन आप जो है मेरे से एक वादा कीजिए कि आप जो ये आलसपन है आपका ये छोड़ देंगे क्योंकि आपकी आलसीपन के लिए समस्या जो है हमारे पास आई है। तो उस दिन जो है काफ़ी बातचीत हुई दोनों में, दोनों पति पत्नी में। तो फिर ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ये कसम खा ली कि नहीं आपसे जो है मैं अपना काम खुद ही करूँगा और आलसी नहीं करूँगा। तो बातचीत करते करते वो लोग सो गए। अगले दिन सुबह जो है ब्राह्मण खुद ही जो है अपना खेत में जो है जाने लगा काम करने के लिए, जो भी सामान है अपना हल लेके पानी का बाल्टी वगैरह लेके जो भी है वो लेके खेत की तरफ जाने लगा क्योंकि अब उसको एहसास हो चुका था कि खुद का काम खुद ही करना चाहिए चाहे हम कितने भी अमीर हो। तो वो निकलने लगा ऐसे इतने में देखता है कि बाहर वह जिन अभी भी कुत्ते के पुतुम को जो है सीधा करने में लगा हुआ है। तो वो थोड़ा मजाक करते हुए उससे पूछा क्या हुआ अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ, जल्दी काम करो और भी काम है मेरे पास तुम्हारे लिए। तो जिन बोलने लगा मालिक मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं बहुत ही जल्दी काम ख़त्म कर लूँगा। और ये सुनकर जो है ब्राह्मण वहाँ से हंसते हुए निकल गया क्योंकि उसको समझ में आ गया था ये अब जो है कभी इसको सीधा नहीं कर पाएगा, ये आप सबको पता है कुत्ते की दिम जो है कभी सीधी नहीं होती है। तो ये था कहानी, इसमें अंत में ब्राह्मण को समझ में आ जाता है और वो जो है सुधर जाता है। ये कहानी उन सब बच्चों के लिए है खास करके जो काफ़ी आलसी होते हैं और समय पर अपने काम पूरा नहीं करते। ठीक है तो इस कहानी से आपको कुछ ये सीख लेना चाहिए कि अगर आप आलसी करेंगे, काम को टालते रहेंगे, किसी और पर भरोसा करेंगे तो आपका काम जो है नहीं बनेगा, आप कभी ज़िंदगी में जो है तरक्की नहीं कर पाओगे और सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है तो हमेशा ही अपना काम चुस्ती से करना और समय रहते ही उसको ख़त्म करना, कभी जो है आलसी नहीं करना। ठीक है।